हेलो दोस्तों, संडेज़ अनवाइंड के सेक्शन में बकवाइस की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुनी अनसुनी कहानियों में से मैं आपके लिए लाया हूँ आज लेखक कृष्णचंद्र की लिखी हास्य व्यंग, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़। इस कहानी को लिखे जाने का ठीक ठीक समय तो नहीं पता, लेकिन भाषाविदों के अनुसार ये कहानी उनकी मृत्यु 1977 से लगभग 10 साल पहले लिखी गई थी। कहानी में लाल फीता शाही मतलब रेड टेपिज्म के बारे में लिखी गई है, जो आपको वर्तमान सामाजिक स्थिति से काफ़ी मिलती जुलती लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कृष्णचंद्र की लिखी हुई जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का एक अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ने बोला। इसके जामुन कितने रसीले होते थे, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लर्क का यह कहते हुए गला भर गया। मगर ये आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो कैसे बच सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए बोला। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशविरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहते हैं, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम से बहुत सारे लोग पेड़ काटने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं पहले अंडर सेक्रेटरी से मशविरा ले लूं। वैसे ये भी ज़रूरी था। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बगैर पेड़ को खुद हटाने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग के पास भेज रहा हूँ, वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को काफ़ी गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या नहीं हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में ही फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ये रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी तो टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफ़ी आलोचना के साथ। उसे हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का लगता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाव स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए, एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा, और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। अरे रुको, मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एतराज़ किया। ये भी ठीक कहता है, एक क्लर्क ने बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की, आप नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस बात पर एक्शन लिया, और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर, उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर एक मुसीबत है कि आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया, अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग हो रही है, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर के आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी गज़लों पर उससे सलाह मशविरा करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है और न ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है।
अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करें और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाएं। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंच गई। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तो तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने बताया। क्या तकल्लुस रखते हो? अवस। अवस, सचिव जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआए कलाम में अक्ष के फूल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं। हैरत है, सचिव जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी गलती हो गई हमसे, कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपने साहित्य समिति का सदस्य चुन लिया है, ये लो ऑर्डर की कॉपी। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट में है। ये हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं, अगर तुम आवेदन दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक़ रखता है, आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, सुबह तक, किसी न किसी तरह उसे ज़िंदा रहना था। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर उसके पास पहुंचे, तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यह पेड़ को अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। अरे मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। अरे दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितना मदद देती है, क्या हम इनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? इसका मतलब है शायर को मर जाना चाहिए? बिल्कुल, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई, सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ तो सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार
उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। बस इतनी ही सी थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी सुनी अनसुनी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।